infinite glimmers at infinity. If the values of f of x increase without bound, as x positive हो या negative approach करता हो, negative को approach करे या positive approach करे, then we write f of x negative को approach करे या positive approach करे, तो हमारे पास जो आंसर होगा पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा. अगर हमारे पास इफ द वैल्यूज ऑफ एफ एफ एक्स डिक्रीज विदाउट बाउंड एज एक्स अगर अप्रोच करता है पॉजिटिव को या नेगेटिव को, देन वी कैन राइट द आंसर नेगेटिव इन्फिनिटी, दोनों केसेस में होगा. अब हमारे पास है लिमिट्स ऑफ एक्स पावर एन एज एक्स अप्रोचेज टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, वेयर एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 अप टू समन. हम फाइंड करते हैं एक्स फंक्शन को भी ले लेते हैं वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स फंक्शन वाई होगा हमारे पास, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 1, 1 ये आ जाएगा. अब हमारे पास का ग्राफ अगर बनाए हम वाई इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होता है वो ये होता है. सो जब इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे हम, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, किस पे अप्लाई करेंगे हम इसमें लिमिट एक्स पे, जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या पॉजिटिव इन्फिनिटी. लिमिट एक्स अप्रोच टू नेगेटिव इन्फिनिटी, एक्स पे करेंगे तो हमारे पास आएगा नेगेटिव इन्फिनिटी. जब केस क्या है हमारे पास एन इजिकल टू 1. अब हम लेते हैं एन इजिकल टू 2 एक्स की पावर सॉरी एक्स वाई इजिकल टू एक्स की पावर 2, तो हमारे पास इसका ग्राफ जो बनेगा पैराबोला बनेगा हमारे पास. इस केस में हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एक्स, तो हमारे पास आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी सो एक्स का स्क्वायर. उसमें हम जब बाद बार लिमिट एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसमें हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि हमारे पास वो जो केस था इसमें विदाउट बाउंड इंक्रीज विदाउट बाउंड, तो ये हमारे पास एज इट इज रहेगा. ये हमारे पास हो गया. अब हम ले लेते हैं वाई की पावर एक्स की पावर 3, एक्स का क्यूब ले लेते हैं, एक्स का क्यूब इसका हमारे पास ग्राफ होगा ये हमारे पास इसका ग्राफ होगा. जब हम इसमें लगाएंगे लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एक्स का क्यूब इज इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा हमारे पास. इसी तो सेम एज इट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा हमारे पास. लास्ट हम करते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, इसका ग्राफ कैसे इसका ग्राफ थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा थोड़ा सा. सेम एज कैसे इसी तरह होगा, लिमिट अगर अप्लाई करेंगे इसमें हम एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एक्स पावर 4 इज इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, लिमिट एक्स पावर माइनस इन्फिनिटी एक्स पावर 4 में करेंगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी. जब नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करेंगे इसमें जिसमें अब एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, एक्स पावर 4 है कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, एक्स पावर 6 इवन नंबर जितने जाएंगे हमारे पास कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, उसमें हमारे पास आंसर मस्ट भी पॉजिटिव रहेगा. चाहे वो पॉजिटिव अप्रोच करे या नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करे या पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करे, हमारे पास जो उसका आंसर होगा वो मस्ट भी पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा. ये हमारे पास लिमिट्स ऑफ एक्स पावर एन एज एक्स अप्रोच टू पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी को अगर अप्रोच करते हैं हमारे पास केसेस होंगे इसके इनफाइनाइट लिमिट्स ऑफ एट इन्फिनिटी. ये पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा. माइनस इन्फिनिटी पावर 4 इवन पावर 4 इवन ये पॉजिटिव होगा. नाउ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं. अगर हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी फंक्शन हम ले लेते हैं 3x की पावर 5, तो हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर इन्फिनिटी, जब इसमें पुट करेंगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा हमारे पास. और सेम फंक्शन अगर यही फंक्शन हम दोबारा हम लें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी 3x की पावर 5, तो हमारे पास जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो एक्स की पावर 5 है तो मतलब नेगेटिव ही रहेगा, तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा.
अगर हम मोड के फंक्शन ले लेते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव साल ले लेते हैं नेगेटिव सेवन एक्स पावर फोर ले लेते हैं, जब पॉजिटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव रहेगा तो माइनस आता है, तो माइनस सेवन इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी नेगेटिव आ जाएगा, साथ नेगेटिव सेवन इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा हमारे पास। और अगर इसी में नेगेटिव ले इन्फिनिटी लिमिट एक्स अप्रोच टू नेगेटिव इन्फिनिटी माइनस सेवन एक्स पावर फोर, तब हमारे पास क्या आएगा माइनस एज इट इज सेवन भी एज इट इज, जब माइनस इन्फिनिटी पावर फोर तो ये पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास, माइनस सेवन एक लार्ज नंबर इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी इन्फिनिटी, तो नेगेटिव इन्फिनिटी, इस केस में भी हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। हम इन्फिनिटी पुट करेंगे वैल्यूज में चेक करेंगे, फिर हम चेक करेंगे आंसर हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी आता है कि नेगेटिव। ये चीज़ें याद रखनी है, लिमिट्स में या तो पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा या नेगेटिव इन्फिनिटी होगा, सिर्फ इन्फिनिटी कोई चीज़ नहीं होती है इसमें, लिमिट्स में इन्फिनिटी कोई चीज़ नहीं है, या तो मेंशन करेंगे कि पॉजिटिव इन्फिनिटी है या नेगेटिव इन्फिनिटी है, ये मस्ट इसमें फॉलो करना है।